हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनका एक स्टैचू है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट रविश राजपूत और इस समय मैं पहुँच चुका हूँ मनाली में। और मनाली का ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम सुबह जाएंगे अटल टनल देखने के लिए, उससे पहले ये अटल जी का स्टैचू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मार्केट का तो भाई कहना ही क्या। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना होस्ट रविश राजपूत और इस समय हम हैं खूबसूरत वादियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर मार्केट में, जहाँ पर बहुत चहल पहल है, बहुत चहल पहल है। और ये हम इस समय हैं मनाली में, ये छुट्टू हमारा साथ है। और उसके बाद दिखाने लायक भाई बहुत सा है। मैं इस समय पर्यटकों का बहुत आना जाना है क्योंकि अभी तो ये मई में ये सीजन स्टार्ट ही हुआ है रोहतांग में जाने के लिए। तो ये है इस समय हम मनाली में, खूबसूरत वादियों के बीच में मनाली की खूबसूरत जो मार्केट है उसका मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और आना भी चाहिए, बिल्कुल आना भी चाहिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो भी कैप्चरिंग मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, सब ये क्योंकि अपने दर्शकों के लिए, मेरे मित्रों दोस्तों के लिए ये मैं कर रहा हूँ। तो ये अपनी ही मौज में है ये हमारा मास्टर अपनी ही मौज में है। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा था वो यही था भाई, आप देखिए ये स्टैचूज है और यहाँ पर वो दिखा रहे एक्चुअली मनाली का जो ट्रेडिशन है, उसका कल्चर है, उसको इस स्टैचूज के द्वारा दिखाया जा रहा है। द स्टेट एंड ह्यूज विलेज इधर आयु चलो आई लव मनाली और वो भी क्यों ना भाई, इसका तो व्यू भी बहुत शानदार है। आई लव मनाली। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। चहल पहल तो भैया क्या करूँ आपको, खैर आगे चलता हूँ मार्केट में घूमने से मैं आपको दिखा दूँ और क्या। ये सच में भाई यहाँ पर तो नज़ारा अलग ही है। तो वो देखिए, ओह माय गॉड, ये क्राउड्स कितना आ रहा है, बहुत भीड़ आ रही है भाई इस तरफ। तो लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था, बताया था इधर के एक बंदे ने कि पिछले साल तो कुछ नहीं था क्योंकि कोरोना था और लॉकडाउन था, लेकिन अब जैसे ये खुला है इस साल तो सच में ये बनता है भाई, बनता है, ये तो बिल्कुल बनता है इस जगह पर आना तो डेफिनेटली बनता है। और रात को तो ये देखने का अलग ही मजा है। ड्रम बजा रहे ड्रम कैफे मार्केट है ये तो सच में बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन जितनी बड़ी है उसको देखते देखते अगर हम चल रहे हैं तो उसमें थकावट कुछ नहीं हो रही क्योंकि एक एक कदम पर हर एक बंदा एंजॉय कर रहा है, एक एक कदम पर हर एक एक बंदा एंजॉय कर रहा है।
Yes, come on. Sharp. This is Charlie Chaplin. सबसे बड़ी चीज जो हमने यहाँ पर देखी, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से पेंटिंग करें। मैं आपको दूसरे एंगल से इसको शो करता हूँ। बिल्कुल, इन्होंने जो कुछ भी बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं और बहुत जल्दी कर रहे हैं। इनकी हाथ में बहुत सफाई है और कलाकारी भी निखर कर कर आती है। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने जो विचार हैं, ओपिनियंस हैं, वो कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ अगर, जय हिंद।